नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 37,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है, जिसके बाद से ही लगातार मुख्तार अंसारी चर्चा में बने हुए हैं। लखनऊ के निराला नगर में डी ग्लोबल पार्क होटल में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अवैध तरीके से यह होटल बना था, पहले ही सील हो चुका था, लेकिन बावजूद इसके होटल की बिल्डिंग में जिम, गाड़ी का शोरूम, रेस्टोरेंट धरने से चलाया जा रहा था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार बिल्डिंग अवैध है, इसको NOC नहीं मिली है। पीलीभीत के सुनगढ़ इलाके में चलती कार में गैंगरेप की घटना झूठी निकली। मामले को लेकर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसके साथ नौकरी का झांसा देकर नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया। इसको लेकर पुलिस ने 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। साथ ही पीड़िता ने मेडिकल परीक्षण कराने को लेकर इनकार कर दिया। वहीं घटना की जाँच में पीड़िता की कहानी फर्जी निकली। एक महिला के द्वारा अमित अग्रवाल एवं 2 अज्ञात साथियों के द्वारा नौकरी के झांसा दिला के नशीला पदार्थ खिला के गाड़ी में ले जाके किसी रोड के किनारे उनके साथ बलात्कार करने के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसमें तत्काल पुलिस के द्वारा FIR दर्ज किया गया है। CO सिटी के नेतृत्व में विवेचना हो रही है, विवेचक CO सिटी हैं और साथ साथ एक SHO, चौकी प्रभारी और सर्विलांस प्रभारी को भी इसमें टीम में शामिल किया गया है और त्वरित कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। ताजमहल पर बंदरों का आतंक जारी है। कुछ दिन पहले बंदरों ने एक विदेशी पर्यटक पर हमला कर दिया। वहीं एक बार फिर बंदरों ने एक स्पेनिश पर्यटक को काट लिया है। पर्यटक ने बताया कि वो टिकट विंडो पर खड़ी थी, इस दौरान बंदर ने उसे काट लिया। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही ने सभी को हैरान कर दिया। जिला अस्पताल की दुर्व्यवस्थाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोर्चरी में रखा दुर्घटना में मृतक युवक के शव का चेहरा और नाक चूहों ने कुतर डाला। जिला अस्पताल में शव के चेहरे और नाक को कुतरने की घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। आगरा में सपा पार्षदों ने नगर निगम में धरना प्रदर्शन दिया। सपा पार्षद राहुल चौधरी ने बताया कि वो वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से नाराज हैं। पार्षद राहुल चौधरी के साथ पार्षद जरीना बेगम भी धरने पर बैठी। पार्षदों ने शहर में पोलों पर बंद पड़ी लाइटों और नाइट लाइट लगवाने के लिए धरना दिया है। बांदा की पंचायत बीरा में माध्यमिक विद्यालय बुरे हाल में है। यहाँ अध्यापकों की उदासीनता के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि इस विद्यालय में अध्यापक के घोर अनियमितता बरती जा रही है, जबकि विद्यालय में 3 अध्यापक नियुक्ति हैं, फिर भी विद्यालय में ताला लगा हुआ है। बच्ची के अभिभावक ने बताया कि स्कूल का रवैया हमेशा से यही चला रहा है, ना तो यहाँ बच्चों को कभी फल और दूध वितरित किया जाता है और ना ही मिड डे मील के तहत बनने वाला भोजन यहाँ बच्चों को दिया जाता है। मथुरा के चौहुआ में बुधवार को अचानक मौसम खराब होने की वजह से बरसात में मृतक की जलती चिता को बुझा दिया। चिता की लकड़ियां गीली होने पर ग्रामीणों दोबारा सूखे ईंधन की व्यवस्था कर भारी बरसात में तिरपाल लगाकर शव का अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में वर्षों से शमशान स्थल बदहाल पड़ा हुआ है, बरसात से बचाव के लिए टीन शेड भी नहीं लगाया गया है। ऐसे में दाह संस्कार करने में काफी तरह की दिक्कतें आती हैं। सहारनपुर में हनी ट्रैप में फंसाकर रंगदारी मामले वाले और लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के SP सिटी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभियुक्त पति पत्नी हैं। दोनों लोगों को कहानी सुनाकर और हनी ट्रैप में फंसाकर रंगदारी मांगा करते थे। जालौन में उफनती नहर में युवक और वृद्ध छलांग लगा रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश के कारण पूरे शहर का जो नहर है वो पूरी तरह से उफान पर है। स्टंट करते वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ के कृष्णनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति को लोगों ने जमकर पीटा। भीड़ की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आसपास के लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे। पिटाई के कारण भीड़ को काफी चोटें आई हैं। नैनीताल में पहली बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। यहां राज्य अतिथि गृह पहुंचे
महेंद्र भट्ट ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर मंथन किया, साथ ही लोकसभा चुनाव को जीतकर हैट्रिक करने की बात भी यहां पर कहते हुए नजर आए। उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति सहित 5 मांगों के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में आए राज्य आंदोलनकारियों का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। इस आंदोलन को राज्य बेरोजगार संघ भी अपना समर्थन दे रहा है और संघ के अध्यक्ष लगातार आंदोलनकारियों के साथ बने हुए हैं। आंदोलनकारियों की मांगों में प्रदेश की राजधानी को गैरसैंण बनाए जाने, हर घर रोजगार हो, विधायकों और सांसदों की पेंशन बंद हो, उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों में 70% रोजगार उत्तराखंड वासियों को मिले, ऐसी प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलनकारी सचिवालय कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ।